इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है कि ये देखिए रेडवुड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। तो जी मैं आ गई हूँ कार में विद दिवेज एंड हिम। हेलो। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हेनरी कॉविल रेडवुड्स स्टेट पार्क में, जो कि सेंटा क्रूज काउंटी में है, कैलिफोर्निया में ही। और जिस टाउन में है उसका नाम है फेल्टन। तो हम लोग थोड़ी सी हाइक करने वाले हैं, बहुत एक्सट्रीम नहीं बट थोड़ा सा नेचर के करीब जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत हमने छोटा छोटा खाना और हमारा लंच पैक कर लिया है। थोड़ा यहाँ पर अभी स्पेशली दिविज के बाद कहीं पर भी जाओ तो पूरा प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। अभी हो रहे हैं अराउंड 11:45 PM। हमें लगेगा करीब एक घंटा माउंटेन व्यू से फेल्टन पहुँचने में। तो रास्ते के कुछ व्यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ और फिर वहाँ पर मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1500 ईयर्स ओल्ड है और 277 फीट टॉल है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना जॉइंट, कितना बड़ा है। इनफैक्ट ऐसे ट्रीज भी हैं जिसके अंदर आप लाइट लेके लाइक उसके ट्रंक में अंदर घुस सकते हैं। तो लाइक बहुत खूबसूरत सा एरिया है, लाइक कैंपिंग, हाइकिंग, ऐसे बहुत सारी और एक्टिविटीज़ है जो आप इधर कर सकते हैं। तो अलग अलग ट्रेल्स हैं लाइक फॉर बाइकिंग, किसमें डॉग ले जा सकते हैं, तो वो आप नॉर्मल विजिटर सेंटर से जाके या ऑनलाइन आप देख सकते हैं। लाइक बिफोर अगर आपको प्लान करना हो तो इजीली आप लोग देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पर भी पहुंच जाएंगे। एंटर हो गए हैं हम लोग हेनरी कॉविल रेडवुड्स स्टेट पार्क में। बहुत ही लंबा नाम है। मैं आपको दिखाती हूँ एंट्री वे। थोड़ा सा आगे आ गए हम लोग लेकिन कोई नहीं, चलता है। स्टेट पार्क्स कैसे होते हैं, कितनी ग्रीनरी है और एकदम बहुत स्मूथ रास्ता बना हुआ है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते हैं, लाइक स्पीड लिमिट्स होती है यहाँ पर, कितनी स्पीड लिमिट में चला सकते हैं। हम लोग एंट्री पे पहुंच गए हैं, लाइक मेन जो पार्क की एंट्रेंस है। हमारे आगे 2-3 कार्स हैं। पार्किंग के हमारे $10 लगे हैं, उसकी रिसीट। अब हम लोग जा रहे हैं आगे। यहाँ पे लगानी पड़ेगी तो लगा दे। ये मैंने अपनी कार के ऊपर ऐसे रिसीट लगा दी है ताकि बीच में जब चेकिंग करने वाले आए तो वो देख सके कि इस कार का पेड है। पार्किंग लॉट, ये देखिए बहुत सारे लोग रिटर्न हो रहे हैं फ्रॉम द ट्रेल्स। उधर सामने शायद शॉपिंग सेंटर टाइप कुछ है, विजिटर सेंटर का उधर की तरफ लगा हुआ था एरो।
अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक हमें 50 मिनट्स लगे आने में. थोड़ा बीच में ट्रैफिक था क्योंकि सैटरडे था, सब लोग शायद इस तरफ आ रहे थे. और दिविज देखिए पीछे सो गया है. जब तक दिविज सो रहा है हमने सोचा हमारा होम कुक्ड पास्ता खाकर हम हमारा लंच तो करें. मैंने खा लिया है यम्मी पास्ता, बहुत अच्छा बना था यार. और अब मैं दिव्य अभी भी सो रहा है तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं आसपास का आप लोगों को दिखा दूँ, लाइक जहाँ पे हमारी कार पार्किंग है, तो एक शॉप है और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए उधर पीछे की तरफ और इधर मुझे नहीं पता क्या है, लेट्स सी, लेट्स चेक आउट. उधर की तरफ विजिटर सेंटर है और रेडवुड ग्रोव ट्रेल है, रेस्टरूम्स हैं. इधर माउंटेन पार्क्स नेचर स्टोर है. सिंपली इस बोर्ड से पढ़कर आपको बता रही थी. तो उस तरफ विजिटर सेंटर है और इस तरफ स्टोर है. सबसे पहले मैं आपको स्टोर में लेकर चलती हूँ. चलिए एंट्री इन द स्टोर. कितनी अच्छी बच्चों के लिए बुक्स है. दिविज के बाद तो मेरा बहुत इंटरेस्ट हो गया इन सब चीज़ों में. अलग अलग गिफ्टिंग आइटम्स, बहुत क्यूट क्यूट. ये देखिए रेडवुड के पीसेस भी लोग लेकर जाते हैं. आ गई हूँ मैं वो शॉप के बाहर. बहुत क्यूट क्यूट छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ें थी. स्पेशली जो रेडवुड वाली चीज़ें थी वो मुझे अच्छी लगी. कुछ टी शर्ट्स, गिफ्टिंग आइटम्स, बुक्स, हर तरीके की छोटी छोटी चीज़ें थी. और बहुत ना अच्छा सा कूल सा वेदर हो रहा है. आई मीन कूल एज इन ठंडा नहीं है बिल्कुल भी और गर्मी टाइप भी नहीं है, लेकिन अच्छी हल्की हल्की हवा चल रही है और बहुत सूदिंग सा है बिकॉज ऑफ द ट्रीज. अगर शायद ट्रीज नहीं होते तो गर्मी लगती. देखिए हेनरी कॉवल रेडवुड स्टेट पार्क का मैप है. भी ये लेडी भी मैप देख रही थी. तो पाइपलाइन रोड कर कर है तो डॉग्स ले जाने के भी हर लाइक उसमें डॉग्स नहीं ले जा सकते हो आप. ये देखिए मैप में बता रखा है कि इस ट्रेल में कौन से में डॉग्स अलाउड है, किस में डॉग्स अलाउड नहीं है. ये देखिए यहाँ पर तो बहुत अच्छे से सब क्लियर है. कहाँ पर पार्किंग एरिया है, पिकनिक एरिया है, रेस्ट रूम्स हैं और ड्रोन्स अलाउड नहीं है. चलो आगे चलते हैं. फिर अपनी कार के बाद आसपास हूँ और देखते हैं आगे. एक बहुत बड़ा सा कोई ट्री का टुकड़ा टाइप है, वो सब लोग देख रहे हैं. देखते हैं वो क्या है. ये देखिए हो रहा वहाँ पर. दिस इज टेल ऑफ द रिंग्स हार्वेस्टेड इन 1934 ओल्डेस्ट कोस्ट रेडवुड्स का सेक्शन है ये. 2200 years ago. Oh my God. ये देखिए को दिखाती हूँ. इस पे भी अलग अलग लिखा हुआ है क्या क्या हुआ था 1769 में. पूरी हिस्ट्री है. मुझे इतनी भी नहीं आती है तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, उससे अच्छा है मैं नहीं दूँ कुछ. आपको ये पढ़ना है तो इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है कि जैसे बुक के पेजेस होते हैं उसी तरीके से जो ट्री में भी कुछ रिंग्स होती हैं. आप इसमें देखिए जैसे रिंग्स बनी हुई है छोटी छोटी. तो बोल रहे हैं कि हर एक मतलब जैसे जैसे ट्री बड़ा होता है तो हर एक साल में एक रिंग बनती है. तो आप रिंग्स काउंट करके पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना ट्री है. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. मैं बहुत ही पुअर हूँ इन सब फैक्ट्स में. तो नया नया सीख रहे हैं, चलो अच्छा है यार ये. तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें लिखी हुई है कि
ट्री रिंग्स ना आपको क्लाइमेट के बारे में भी बताती है। वो बोल रहे हैं कि किस तरीके का मतलब रेन हुई थी कि सूखा पड़ा था, तो उस हिसाब से भी ट्री की रिंग्स मतलब उतनी ही चौड़ी होती है। तो आप पता लगा सकते हैं कि जिस एरिया का वो ट्री है वहाँ पे सूखा पड़ा था कि कैसा लाइक क्लाइमेट था। कितनी मतलब इंटरेस्टिंग बात है, मुझे बिल्कुल मैंने कभी भी ये नहीं पढ़ा है कहीं पर भी। रहा विजिटर सेंटर, विजिटर सेंटर बेसिकली ऐसा है कि आप यहाँ से मैप्स ले सकते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन है। अभी तो क्लोज्ड है ये, वॉलंटियर ट्रेनिंग इन प्रोग्रेस, लेकिन यहाँ पे मतलब आपको बेसिकली पूरे स्टेट पार्क के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये देखिए ट्रीज, आपको अगर मेरे पीछे दिख रहा होगा तो ये ट्री देखिए, मतलब कैसे तीन आई थिंक ज्वाइन हुए हुए हैं नीचे से और ऊपर तक जा रहे हैं। नीचे एक दो तीन आई थिंक ज्वाइन हुए हुए हैं।